हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा आप लोग को इस चैनल पे, ठीक है। ये डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले आप लोग को स्वागत करता हूँ, गुड इवनिंग विश करना चाहूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बता दूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे सभी काम की प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसे कि NDA, CDS, AFCET, SSB इंटरव्यू, ठीक है दोस्तों। SSB इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, NDA, CDS, AFCET की कराई जाती है, जितने भी कमीशन रैंक होते हैं डिफेंस के एग्जाम के। नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा डिफेंस का चैनल है, तो डिफेंस की स्पेशली प्रिपरेशन कराई जाती है, साथ साथ सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। हमारा दूसरा चैनल भी है, लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे एग्जाम एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग SSC रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। साथ साथ वहाँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ NDA, CDS, AFCET, SSB इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद कमीशन नॉन कमीशन रैंक जो हो गया एयरफोर्स XY, ठीक है दोस्तों, नेवी AA, SSR, MR, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो होता है नाविक, GD, जनरल ड्यूटी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये सब जितने भी एग्जाम होते हैं रिटर्न से लेकर फिजिकल से लेकर मेडिकल से लेकर मेरिट तक की फुल इन्फॉर्मेशन एंड विथ पर्सनल गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कराई जाती है, जिनको कि दोस्तों आप लोग अगर कोर्स खरीदते हैं तो कोर्स में फी अच्छा खासा डिमांड किया जाता है, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप लोग को जैसे तैयारी कराई जाती है फी लेके एक कोर्स दे के थ्रू, पेन ड्राइव कोर्स के थ्रू, वैसा मैं फ्री में इस चैनल के थ्रू करा रहा हूँ यूट्यूब पे। हमारा कोचिंग क्लासेस भी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोचिंग क्लासेस के बारे में नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ आप लोग इतना जानिए कि यहाँ पर फ्री में प्रिपरेशन आप लोग की होगी, जो भी है दोस्तों NDA, CDS, AFCET, SSB इंटरव्यू, ठीक है दोस्तों, एयरफोर्स XY, ठीक है, एयरफोर्स के लिए स्पेशल चैनल दोस्तों, एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल चैनल है, आर्मी, इंडियन आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है रिटर्न से लेकर मेडिकल तक की, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज एयरफोर्स के लिए स्पेशल सेशन था, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, वीडियो ऑन डिमांड आप लोग के लिए लाया गया है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर इतना अच्छा प्रिपरेशन कराई जाएगी, आप लोग फेथ रखिए। और दोस्तों मैं जितना भी सेशन करा रहा हूँ, जैसे आज आप लोग देख रहे हैं, आज से वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाला हुआ है, चैनल पे विजिट करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मैराथन वीडियो लेता हूँ ताकि आप लोग का कम समय में ज़्यादा आउटपुट प्रदान कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करा सकूँ। बहुत सारा प्रीवियस भी है, उसको जाके जरूर देखिए, मैं लिंक आई कार्ड में यहाँ पे आई बटन होगा वहाँ पे आपको दे दूँगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे चैनल पे प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो जरूर देख सकते हैं दोस्तों। तो जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, पूरे सेशन को देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे इसी पे मैं कवर कराऊंगा आज, बहुत सारा काफ़ी चीज़ें कवर होगी, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा तो पेशेंस रखिएगा। और दोस्तों वीडियो बड़ा बने छोटा बने उससे मतलब नहीं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें वीडियो में। मैं एक घंटा का क्लास लूँ, ठीक है, लेकिन आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा, दोबारा आप लोग को पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा, हाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने का दरकार पड़ेगा, तो मैं कराऊंगा। दोस्तों मैं भी चाहूँ तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट किताब खरीद लूँ, उसका स्कैन करके मैं आपको करा सकता हूँ, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं देखता हूँ 10 किताबें 20 किताबें जो कि बहुत ही अति उत्तम जो होती है किताबें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है किताबें, उससे मैं निकाल के लाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सभी उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगते हैं मुझे वो कराने का, क्योंकि न्यू एडिशन जितने भी आते हैं, क्योंकि हर एक साल चेंज होता है, हर एक साल पैटर्न चेंज होता है हर एक साल, और अभी आप लोग को लॉकडाउन सीरीज है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा आउटपुट देता हूँ, अभी चीज़ें सीखने की समय है, तो आप लोग डेली क्लासेस में आया कीजिए देखिए सीखिए। दोस्तों मैं थोड़ा सा और बताऊँगा आप लोग को, थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा बनेगा ही, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और जैसे देख जितना भी दोस्तों मैं फिजिक्स का एक्स ग्रुप के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, अब कल से आप लोग को डेली मिलेगी क्लासेस, जैसे कि आज वाई ग्रुप का था, हर एक दिन अलग अलग क्लास, जैसे कि फिजिक्स एक्स ग्रुप का 2 क्लास चलेगा, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, इंग्लिश तो सभी में कॉमन होती है, पास करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इंग्लिश का वीडियो डेली आएगा। और फिजिक्स का जैसे एक दिन एक्स ग्रुप का चलेगा, जैसे फिजिक्स और मैथ टॉप 1000 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन में कराऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यू आएगा, सिर्फ आप उतना देख लीजिएगा तो काफ़ी होगा। दोस्तों जिसको फाउंडेशन क्लास पढ़ना है, जिनको भी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए मॉर्निंग में क्लास चलेगी, NDA लेवल की, UPSC लेवल की, CDS लेवल की फाउंडेशन क्लास, बिल्कुल सभी GAT जैसे पेपर होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, 600 मार्क्स का NDA में होता है, उसी तरह CDS में भी होता है 300 मार्क्स का, और जो होता है दोस्तों मैथ का पेपर होता है, तो मैथ का भी पेपर के लिए फाउंडेशन, NDA के लिए एक्स ग्रुप टेक्निकल, और जो कि नेवी और एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट और नॉन टेक्निकल मैथ जो होते हैं उसके लिए भी फाउंडेशन क्लास चल ही रहा है सुबह के क्लास में, आप लोग जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों जो नॉन और जो आप लोग का जो ये जो सीरीज़ में चला रहा हूँ 1000 क्वेश्चन सीरीज या 1000 क्वेश्चन सीरीज, जैसे कि एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स और मैथ का 1000 क्वेश्चन आएगा, उसको कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 20 प्लस आराम से फिजिक्स में, 20 प्लस मैथ में करिएगा एक्स ग्रुप के लिए। और वाई ग्रुप के लिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1000 मिक्स प्रैक्टिस सेट है रागा प्लस इंग्लिश की, ठीक है दोस्तों, ये कंटिन्यू वीडियो आएगी और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इसमें मिक्स रहेगा, जो इंपॉर्टेंट मुझे अति इंपॉर्टेंट लगेगा, जिसको कि बहुत जानना जरूरी है, जो फाउंडेशन में कवर नहीं कर सकेंगे आप लोग जो न्यू कैंडिडेट हैं या जिनको जल्दी से जल्दी चाहिए सीखने को, ठीक है दोस्तों, तो वो उनके लिए जो होगा
वो इंपॉर्टेंट होगा, वो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। उसी प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों जैसे फिजिक्स की मैं कराया टॉप सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन, ठीक है, एक्स ग्रुप के लिए मैं बता रहा हूँ, और नेवी डबल ए एसएसआर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों में सेम रहता है, थोड़ा सा नेवी डबल ए का लेवल अच्छा होता है। तो मैं सभी चीज़ को देखते हुए एनडीए का लेवल दोस्तों पूरा एकदम जो सीक्वेंस होता है पढ़ने का तरीका होता है उसके थ्रू, और प्रॉपर नोट्स भी मिलती है। तो कृपया टेलीग्राम चैनल, दो टेलीग्राम है, एक तो मेरा सभी वीडियो और पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी, और एक डिस्कशन ग्रुप आप लोग का, दोनों ज्वाइन कीजिए, दोनों बेनिफिशियल आप लोग के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे कैंडिडेट को जोड़िए, न्यू चैनल बनाया हूँ मैं। और अभी मैंने आप लोग को एक चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो भूल गया, जो कि रिटर्न का एग्जाम होता है अभी, नेवी डबल ए एसएसआर का हुआ था हाल ही में, और एमआर का हुआ था। 39 प्लस सेलेक्शन मैंने नेवी डबल ए एसएसआर में दिया, और 11 प्लस सेलेक्शन मैंने एमआर में दिया। अभी रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं दोस्तों, और उन लोग का इतना अच्छा मार्क्स है जो कि वो अगर पीएफटी ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनका फाइनल मेरिट में आना कोई नहीं रोक सकता ना। तो मैं अभी हाल ही में चैनल जनवरी में पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं कम वीडियो प्रोवाइड करके ज़्यादा आउटपुट देता हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, ये जो वाई ग्रुप की जो सीरीज है 1000 क्वेश्चन की, इसका अलग प्लेलिस्ट होगा, और एक्स ग्रुप के लिए अलग प्लेलिस्ट बनेगा, जिसमें कि फिजिक्स और इंग्लिश के लिए, और इसमें तो रागा और इंग्लिश तो एक ही प्लेलिस्ट होता है, इसमें टॉप 1000 क्वेश्चन रहेगा, और दोस्तों इसी में कॉन्सेप्ट का भी क्लास रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि अभी आज मैंने कॉन्सेप्ट क्लास बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, एनडीए और यूपीएससी लेवल के सीडीएस एसएसबी और एफकेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसका फाउंडेशन स्टार्ट, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ना जरूरी है, डीप से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए सुबह मॉर्निंग बैच में क्लास चले, जैसे कि इंग्लिश मैथ टेक्निकल मैथ नॉन टेक्निकल, उसका जीएटी में जितने भी आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल करंट अफेयर, उसकी बेसिक्स फाउंडेशन क्लास इंग्लिश सभी चल रही है सुबह की क्लासेस में, ठीक है दोस्तों। तो जरूर जाके देखिए, एक टाइम टेबल का क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी, टाइम टेबल की वीडियो यहाँ पे मैं आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग जाके जरूर से देखिए, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। टाइम टेबल क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टाइम टेबल देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग क्लास लीजिए, ठीक है। और एक जो जितना इवनिंग में होगा दोस्तों वो क्वेश्चन सीरीज होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेंगे मुझे, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं पढ़ें तो मैं कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ, और इंपॉर्टेंट जो जैसे आज मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस टाइप का एक एक सिंगल सिंगल छोटा छोटा वीडियो, ज़्यादा भी बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 आवर की वीडियो होगी, तो उसमें बहुत सारा काफ़ी कुछ कवर करा दिया जाएगा। दोबारा आप लोग को उस चैप्टर को पढ़ने का दरकार नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने का, जो कि मैं कराऊंगा ही, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं इसमें से 42 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, ये जो सीरीज मैं 1000 स्टार्ट कर रहा हूं वाई ग्रुप के लिए स्पेशल, क्योंकि वाई ग्रुप के लिए अभी ज़्यादा डिमांड थी, और साथ साथ ये दोस्तों एमआर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ साथ आप लोग देख रहे हो नेवी डबल ए एसएससी रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट एंड ऑल एग्जाम, ठीक है दोस्तों। नेवी में जैसे कि एसएसआर डबल में भी एक रीजनिंग पूछ दी जाती है, जिस हिसाब से ये जो रीजनिंग मैं कवर कर रहा हूं नॉन वर्बल रीजनिंग जो है, ठीक है दोस्तों, फिगर वाला क्वेश्चन जिसमें 5 मार्क्स कवर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो सभी एग्जाम में आएगा। पेशेंस रख के वॉच कीजिएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नोट्स बना लीजिएगा, और मैं प्रैक्टिस के लिए इसका पीडीएफ दे दूंगा जो मैं कराऊंगा, और भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर देता रहूँगा, तो आप लोग जरूर, अभी भी मैं पहले वीडियो बनाने से पहले डाल चुका हूँ, तो जरूर से जाके देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना बता रहा हूँ उस पर, और दोस्तों पक्का सिलेक्शन होगा, फेथ रखिए और एंड तक बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कैंडिडेट को जोड़िए, जो भी इधर उधर भटक रहे हैं कैंडिडेट, जिनको सही मार्क नहीं मिल रहे फ्री क्लासेस प्रिपरेशन के लिए, दोस्तों एक पैसा मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बहुत कोई बोलते फी क्या है दोस्तों, फी क्या है सर आप लोग बताइए, क्योंकि इतना बढ़िया बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ फी आपको रखना चाहिए, बट मैं 1 रुपया फी नहीं रखा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि ज़्यादा कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कैंडिडेट बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले कैंडिडेट जो फेस करते हैं वो बहुत हैं इंडिया में, तो मैं उन्हीं के रिगार्डिंग देखते हुए फ्री क्लास ला रहा हूँ। हाँ, ज़रूरत पड़े तो आप लोग जरूर पे कीजिएगा, जरूर अपने लोग की इच्छा से अगर सिलेक्शन हो जाए तो, बट हाँ अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी अच्छे से पढ़िए, और लॉकडाउन है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, वीडियो को देखिए, डेली वीडियो आएगी आप लोग के टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो देना करते हो अपना टॉपिक पर आता हूँ, 8 मिनट मैंने बकवास किया बोले तो आप लोग को ज्ञान बांटा, अब देखिए दोस्तों 30 मिनट की क्लास चलेगी, ये जो देखते हैं अंत तक जो देख लिए उनका गारंटी सिलेक्शन है। और मैं ये जो एक बार फिर से सुन लीजिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो मैं 1000 मिक्स क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, जिसमें कि इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आता है और 30 क्वेश्चन रागा का आता है, आप लोगों को पता होगा, तो 50 क्वेश्चन का डेली सीरीज आएगा, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन का बोले तो अगर मैं 20 सीरीज लाऊं, 50 × 20 करता हूं, तो मुझे 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन मिलता है, तो 20 वीडियो मैं लाऊंगा, 20 से 25 वीडियो लाऊंगा 50 क्वेश्चन की सीरीज, उसमें से 42 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा उसको, और प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ अलग, तो 1000 क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें कि लगभग आपका 42 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास से आएगा, बस फेथ रखिए एंड तक देखिए। जैसे दोस्तों आप लोग सभी का क्लास लीजिए, मैं नहीं बोलता, पूरे यूट्यूब का क्लास लीजिए जहां आपको अच्छा लगे, बट हाँ ये क्लास को भी मत छोड़िए, जरूर लीजिए, डेली लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए,
पक्का बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप लोग सेलेक्शन लीजिएगा और उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर कुछ नहीं कुछ कुछ सर आप लोग बताएं। आप देखिए दोस्तों स्ट्रेटजी क्या है वाई ग्रुप के लिए, थोड़ा सा जान लीजिए वाई ग्रुप में क्या पूछा जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों थोड़ा कठिन होता है एग्जाम, अभी मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया था इस बार का, उसको भी जाकर देखिएगा। बहुत ही चीज़ आई बटन पे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे आप लोग सब देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने वहाँ पर डाला है। आई बटन पर आप लोग सिर्फ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कोना में जो होता है टॉप बटन पे, ठीक है दोस्तों टॉप पे मिलेगी आप लोग यूट्यूब के, ठीक है जहाँ स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जिस हिसाब से जैसे कि मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे टाइम टेबल वीडियो डाल दूंगा, और जो अभी कट ऑफ होती है फाइनल सेलेक्शन का जो पीएसएल में अभी नाम आने वाला उसका वीडियो है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो मिलेगी जैसे मैराथन क्लास की, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ वाई ग्रुप में क्या आता है, 12 क्वेश्चन लगभग जीके के प्लस करंट अफेयर के आते हैं दोस्तों, ठीक है 8 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है दोस्तों क्लियर। तो 12 से 14 भी हो सकता है जीके का क्वेश्चन, बट 8 क्वेश्चन जो मैथ के फिक्स होते हैं। तो दोस्तों आज मैं रीजनिंग का बहुत ही बड़ा पोर्शन कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, इसमें कि दोस्तों 5 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आएंगे 5 मार्क्स के, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग एक तरह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग में, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एसएससी रेलवे नेवी एसएसआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए तो ये स्पेशल सेशन है ही। तो कंप्लीट दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं करना, वाई ग्रुप का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोग को, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी कराया वाई ग्रुप के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो होगा, ठीक है दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग अंत तक जैसे आज से स्टार्ट किए तो आज से देखना चालू कर दीजिए उस वीडियो को, और नोट्स बनाइए जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे, ठीक है पूरा एंड तक देखिए उसको, पूरा एग्जाम से पहले तक कवर कर लीजिए, 42 प्लस मार्क्स मैं गारंटी देता हूँ कहीं नहीं जाएगा आपको। चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करता हूँ, 11 मिनट का सेशन बकवास हो गया। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन वर्बल रीडिंग है, ठीक है पार्ट वन में कवर करा रहा हूँ, इसका 2-3 पार्ट आएगा, ठीक है 3 पार्ट में मैक्सिमम रखने की कोशिश करूँगा, बाद बाकी प्रैक्टिस कराऊंगा और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा ताकि आप लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें, बाद बाकी मैं मैथ के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन तो अलग चलेगी उसमें, ठीक है जो क्वेश्चन बताऊँगा डायरेक्ट वहाँ से आएगा, और ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे इसको पढ़ना है क्या है, क्योंकि बहुत हार्ड लगता है। ये हमारा चैनल दोस्तों डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, बगल में सब्सक्राइब का बटन है तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ज़्यादा दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना 2 से 3 आदमी को शेयर कीजिए, कैंडिडेट को शेयर कीजिए जो इधर उधर बैठक रहे, बस आप लोग को नहीं खींच के लाना, जो अगर पसंद करते हैं बस उन्हीं को, ठीक है दोस्तों। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है, 5 मार्क्स कवर होगा, बस आप लोग देखिए सेशन को कैसे आप लोग का इजीली हो जाएगा दोस्तों कवर। मैं 2 से 3 वीडियो लाऊंगा पूरा रीजनिंग में इसका, ये कभी कॉन्सेप्ट आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज एनालॉजी टाइप की आती है फिगर बेस्ड, तो बहुत सारी चीज़ें सभी चीज़ मैं कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ देर ना करते हुए, और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा जो भी थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है आप लोग के रिगार्डिंग क्या होने वाला प्लान, कैसे आप लोगों को जो भी न्यू कैंडिडेट है उन लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख कर वॉच कीजिए और तभी आप लोगों को कुछ थोड़ा सा आउटपुट मिल पाएगा। तो दोस्तों लगभग मैं 20 मिनट का क्लास लूँगा आज, थोड़ा सा 30 मिनट का मैंने पहले बोला था, 1 आवर का बोला था, तो कोशिश करूँगा 30 मिनट में कवर कराऊँ सभी चीज़, ठीक। तो आई होप सो दोस्तों क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, मैं जूम अच्छे से कर दूंगा ताकि आप लोग को कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखिए ये है एनालॉगिक बेस्ड सीरीज, ठीक है नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आएगी, आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा दिमाग लगाना, जितना मैं बता रहा हूँ उस पर मेरा वाचा या जो बॉल जो मैं बोल रहा हूँ स्पीक कर रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ एक एक चीज़ को सुनिए, दिमाग में कैप्चर कीजिए, उसको नोट्स अगर बनाना तो बना सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर लॉजिक लगाइएगा, ठीक है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उसको कर लीजिए, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, कभी कभी गलत नहीं हो सकता दोस्तों 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, आप ही लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज होती है इस टाइप का, आप लोग को दे देगा 3 या 4 फिगर दे देगा, 5वां फिगर आप लोग को बोलेगा बताना है, और 4 ऑप्शन रहेगा आप लोग को सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसमें से बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रीवियस ईयर का सोर्स कहाँ होता है तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट लोग जो भेजते हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होता है, बहुत सारे कैंडिडेट लोग जुड़े हैं, आप लोगों को मैं बताया हूँ मेरे फिजिक्स का वीडियो देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन को है ना क्वेश्चन के मतलब एडमिट कार्ड के पीछे लिख के ले आते हैं, तो उस हिसाब से मुझे सेंड करते हैं, ठीक है बहुत सारा चीज़ याद रहता है, तो बहुत सारा उसी वही जो हमारा सोर्स होता है वही, बहुत जिनको वो प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि मेरे हमारे स्टूडेंट जो होते हैं दोस्तों मैं उनको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को आप लोग को याद करके लाना है, क्योंकि अगर जो सॉल्व करता है उनको याद होता है कि क्वेश्चन ये आया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सोर्स है हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने इसको प्रिंट करा के आप लोग को दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, पहला चीज़ दोस्तों देखिए यहाँ पे फिगर 1 में क्या दिया, सिंपली ये चीज़ है एक सेमी सर्कल है, ठीक है अर्ध वृत्त है, इसमें अलग अलग फिगर क्या है देखिए, यहाँ पे सिंपली फिगर है, यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है, यहाँ पे एक देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सर्कल है, दो सर्कल है, ठीक है और एक ट्रायंगल है छोटा सा, ठीक है।
तो कहाँ पे इसमें रोटेशन भी हो रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट भी है, ठीक है, कोई शेडेड है कोई अनशेडेड है, ठीक है दोस्तों आप लोग देखिए। तो यहाँ पे एक बार ये जो था पहले तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ठीक है, 30 डिग्री पे रोटेट कर गया, ठीक है, ये जो सेमी सर्कल है, और ये दोस्तों जो ट्रायंगल था अंदर चल गया, और ये जो है ये वाला चीज़ बाहर आ गया और ये वाला अंदर चल गया ट्रायंगल, ठीक है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ये अंदर घुस रहा है ये बाहर जा रहा है, इस टाइप से रोटेट कर रहा, और ये जो दोस्तों इसके अंदर का जो चीज़ है वो भी 30 डिग्री रोटेट कर रहा, सिंपली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हर एक चीज़ में उसी तरह हर एक केस में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिरा, फिर ये इसको अगर हम लोग इस टाइप से 30 डिग्री और घुमा दें तो ये क्या होगा दोस्तों, इस टाइप का सेमी सर्कल बन जाएगा सिंपली, जो कि है क्या, जो कि एक आपका खड़ा बटा खड़ा जिसको बोल सकते हैं, पर हॉरिजॉन्टल में है यहाँ पे। फिर दोस्तों ये जो है ये अंदर आ गया, अब जो शेडेड वाला था अंदर आ गया, और ये जो है ट्रायंगल फर्स्ट में आ गया, फिर ट्रायंगल यहाँ पे घुस जाएगा बाहर जैसा कि यहाँ पे था, बट हाँ यहाँ पे जो सेम चीज़ है यहाँ पे बाहर चल गया, बट ये जो है दोस्तों ये चेंज हो गया, इसका जो रोटेशन है चेंज हो गया, जो सेमी सर्कल यहाँ पे जो था इसका रोटेशन चेंज हो गया। उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न चेक कीजिए, पैटर्न क्या है, और फिर ऑप्शन से खेलिए, ऑप्शन से खेलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोग को बताया यहाँ पे 15 मिनट का सेशन है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा तो कीप पेशेंस रख के वॉच कीजिएगा दोस्तों, बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा एक वीडियो में, बहुत सारा मैं कवर कर दूंगा, 3 पार्ट लाऊंगा दोस्तों, 3 पार्ट में इतना अच्छा करा दूंगा कि कोई भी लेवल का इस टाइप का नॉन वर्बल रीजनिंग है कभी आप लोग का प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। आई होप सो दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिए, और एक बार ज़रूर बोलिए कि हाँ दोस्तों सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और एक दो बार दो तीन बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, इतना बेसिक से बताऊंगा कि दोबारा आप लोग को मतलब प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, अगर आता है तब भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा तो, ठीक है, या टेलीग्राम पे डिस्कशन कीजिएगा उसके रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ट्रायंगल उधर चल गया, ठीक है, अब क्या होगा, फिर ट्रायंगल अंदर आएगा, ठीक है, जैसा कि देखिए फिर ट्रायंगल अंदर आएगा, और ये दोस्तों जो इस टाइप से मुड़ा हुआ फिर 30 डिग्री घूम जाएगा, यानी 30 डिग्री घूमेगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, सीधा हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल अंदर घुसा, ठीक है, और ये जो है इसको ऑप्शन नंबर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, और ये जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ये जो सिर्फ अंदर घुस रहा और बाहर जा रहा है, ठीक है, अंदर आ रहा और बाहर जा रहा है, ये जो सर्कल है साइडेड वाला जो छोटा सर्कल है अंदर में जो है सेमी सर्कल के अंदर वो बाहर चल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है अंदर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ट्रायंगल नीचे की ओर, बट यहाँ ट्रायंगल कहाँ पे है, ऊपर की ओर, ऊपर साइड में, ए ऑप्शन में, लेकिन ए ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये ट्रायंगल ऊपर साइड है, लेकिन आना कहाँ चाहिए था दोस्तों, ट्रायंगल नीचे की साइड आना चाहिए और शेडेड रीजन यहाँ पे, तो ये दोनों सेम लग रहा है, बाद बाकी ये दोनों का तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि ट्रायंगल अंदर ही और बाद बाकी फिगर भी टेढ़ा मेरा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिंपली आप लोगों को देखा जाए कि मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को करेक्ट लग रहा है, कैसे करेक्ट लग रहा है थोड़ा सा यहाँ देखिए, मैं सिंपली यहाँ देखा कि ये जो ट्रायंगल है दोस्तों ये अंदर जाएगा जैसा कि यहाँ अंदर गया, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला शेडेड सर्कल है वो बाहर जाएगा, वो भी बाहर गया, और ये दोस्तों 30 डिग्री घूमना भी था सेमी सर्कल को, तो ये 30 डिग्री घूमा भी, ठीक है। तो सभी चीज़ प्रॉपर अरेंजमेंट हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए आपको लग सकता था, बट ऑप्शन ए होगा नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को केस बता ही चुका हूँ कि जैसा कि जो ट्रायंगल यहाँ पे आना चाहिए था नीचे में जो कि ऊपर में आया, तो इसी के कारण ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ। तो मैं करेक्ट तरीका से एक्सप्लेन किया हूँ दोस्तों, इस टाइप का जब भी 3-4 फिगर दे और उसके नेक्स्ट फिगर या पैटर्न फिगर पीछे पूछे, ये फिगर पैटर्न वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत काफ़ी कुछ मैं कवर करा दूंगा, सिर्फ आप लोग रहिए। जैसा कि मैंने बताया 8 क्वेश्चन मैथ का था, मैथ से भी बहुत डाउट होता है दोस्तों, सॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत लड़के लोग, एग्जाम में हेजिटेशन होता है, तो मैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा और सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट करा दूंगा और सेलेक्टेड क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं रहे चैनल छोड़ के चल जाइएगा दोस्तों, गारंटी देता हूँ, फ्री क्लास है दोस्तों, तो इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, पैकेज खरीदते हैं हज़ार हज़ार के लड़के लोग, जैसा कि आप लोग दोस्तों पूरे YouTube में वीडियो देख रहे हैं इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, भटक के कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ हमारे वीडियो को भी देखिए, तुलना कीजिए कौन बढ़िया है, और उसके बाद हमारे वीडियो को भी प्रॉपर वे में लिखते जाइए, नोट्स पढ़ाते जाइए, देखते रहिए, और जिनको भी अच्छा लगता है उनका देखिए, मैं मना नहीं करूँगा किसी को, बट हाँ जो भटक रहे हैं तो यहाँ पर भी विजिट करने बोलिए, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉपर क्लासेस, एक फाउंडेशन क्लास एकदम बेसिक से जिसको बोलते हैं स्टार्ट करना, जो कि एकदम एग्जाम में आता है, जैसे कि NDA का प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्लास नंबर 11, क्लास 11 का मैथ होता है, तो 11 से स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक एकदम, जो होता है रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर से जो भी है, ठीक है दोस्तों, सेट रिलेशन फंक्शन से मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है उसका, उसी तरह फिजिक्स के लिए भी एकदम काइनेमेटिक से स्टार्ट किया हूं मैं, सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन, या
फिजिकल वर्ल्ड से एंड मेजरमेंट से जो है दोस्तों उसका प्लेलिस्ट बनाया, तो मैं सभी चीज़ को पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को पढ़ाऊंगा, कृपया विजिट कीजिए। देखिए समझ में ना आए, एक सप्ताह का क्लास लीजिए दोस्तों, ना आए तो चैनल को छोड़ के चल जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़िए, सपोर्ट बढ़ेगा तो मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, बोर्ड पर पढ़ाऊँगा आप लोग के रिगार्डिंग जैसा बोलिएगा। मैं दोस्तों खुद 3 बार सेलेक्टेड हूँ न्यू एयरफोर्स में, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, और अभी मैं क्या हूँ आप लोग को बता ही चुका हूँ। तो देर ना करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा तो काफ़ी चीज़ कवर हो जाएगी, क्वेश्चन गलत करने का कोई संभावना हो नहीं होगा। ये दोस्तों फिगर पैटर्न वाला था, इसके बाद जो एनालॉगी बनेगी उसको मैं लेके आऊँगा, बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों, लगभग मैं 40 क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत सारा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी दूंगा, तो खुद से आप लोग दोस्तों एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को पैटर्न बताया एक क्वेश्चन का, कैसे देखना है फिगर के एनालॉगी को कैसे चेक करना, तो उसी को देखिए, पहले डीपली देखिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि मैं सही हूँ कि नहीं, फिर मेरे आंसर से टैली कीजिए कैसे मैं बता रहा हूँ, उससे सीखिए, क्योंकि बहुत लड़का को, लड़के लोग को, बहुत एस्पिरेंट लोग को ये वाला हाईली डिमांड था ये टॉपिक, और दोस्तों ये अच्छा खासा रीजनिंग में 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आप लोगों का कवर होता है, जिसमें कि इस दोस्तों आप लोग को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल भी बढ़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिनका कुछ तैयारी नहीं था वो भी लग गए होंगे, तो थोड़ा सा लेवल वाला भी क्वेश्चन मैंने रखा है, अंत तक देखिएगा, इसीलिए मैं बोला सेशन को, और साथ साथ इसका दोस्तों PDF दे दूंगा, तो कोई तरह का दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है, बस दो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, तो मैं पिन कर दूंगा आप लोग को कमेंट में, क्या क्या, एक तो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, और एक जो है वो क्या है, सभी इंपॉर्टेंट PDF और वहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई है, तो उसको जाके देख सकते हैं, ऑल क्लासेस की वीडियो जब से मैंने चैनल बनाया, तो सभी वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो कृपया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 मिनट का वीडियो है दोस्तों, मैंने 1 घंटा का बोला था क्लास रखूँगा, 3 पार्ट में आएगा, मतलब 3 घंटे में पूरा रीजनिंग लगभग आपको कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें कि Part 1, Part 2 एनालॉगी ये सब आएगी, नॉन वर्बल आएगी, और Part 3 में जो 1 घंटे का वीडियो होगा दोस्तों वो वर्बल रीजनिंग आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें कि आप लोगों को एनालॉगी आएगा, फिगर बेस्ड का काम नहीं होगा उसमें, एनालॉगी आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, और जितने भी रीजनिंग होते हैं दोस्तों सभी चीज़ कवर कराऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक से, कोई पैसा देना नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जुड़िए, अंत तक देखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप लोग हताशित नहीं होइएगा, हताश मत हो जाइएगा एक दिन के क्लासेस में, ठीक है, कि कितना टाइम टेकन कर रहा है, मैं इंपॉर्टेंट आप ही लोग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये भी बना है यहाँ पे, फिर एक जो क्वेश्चन फिगर, देखिए पहला में तो भी बना दिया, फिर नीचे एक डंडी और खींच दिया, ठीक है, डंडा और खींच दिया, फिर दोस्तों एक डंडा और बढ़ा दिया, फिर एक और घटा दिया, ये सब आसान क्वेश्चन है दोस्तों, फिर एक और बढ़ा दिया, तो नेक्स्ट आप लोग को सिंपली सा है, एक और बढ़ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डंडा वाला कहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, सिंपली जहाँ पे भी दिखता है 7 डंडा वाला वही आपका आंसर हो गया, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैं, यहाँ देखिए दोस्तों 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, 5 डंडा, 6 डंडा, यहाँ 6 डंडा हो रहा है, कैसे डंडा गिनना हम लोग देखिए, पहले एक डंडा कैसे बना था दोस्तों, एक डंडा ऐसे बना था, एक डंडा पहला डंडा, दूसरा डंडा ये था ऐसे करके जो है, फिर तीसरा डंडा ऐसे था ये वाला, चौथा डंडा ऐसे था, पांचवा डंडा ऐसे था, ये जो पांचवा डंडा, फिर छठा डंडा ऐसे था, फिर सातवां डंडा ऐसे था, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा चीज़ था, तो अब 7 डंडा देखिए, तो यहाँ तो 6 डंडा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, देखिए दोस्तों ये टेढ़ा हो गया, तो ये सीक्वेंस नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी को सोच रहे हैं हो जाएगा, बट यहाँ टेढ़ा है, सीक्वेंस भी देखना है किस टाइप से, एकदम प्रॉपर वे में, यहाँ पे तो डब्ल्यू बन गया 4 डंडा के प्रयोग से, फिर यहाँ पे डबल डब्ल्यू बनाना है, तो 4 डंडा का प्रयोग से यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 बन रहा है, बट यहाँ से 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे उठ रहा है 7, ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर उठाना है, 7 डंडा बनना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डंडा बनना चाहिए, सॉरी दोस्तों 6 डंडा, सिंपली यहाँ देखिए 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5 और ये 6 डंडा बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे बन रहा है, देखिए ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नीचे बन रहा है, पांचवा डंडा नीचे नहीं बनना चाहिए, पांचवा डंडा ऊपर बनना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा तो कुछ फिगर लुकिंग लाइक ऐसा दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपली ऐसा, तो डबल डब्ल्यू लगभग बनना चाहिए, कनेक्टेड टू, यहाँ से कनेक्ट करके डबल डब्ल्यू बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल है, 6 लाइन बन रहा है, 6 डंडा बन रहा है, 2 डब्ल्यू भी बन जा रहा है को रिलेट करके, ठीक है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे बाकी सब में भी बन रहा है, लड़के लोग कन्फ्यूज होंगे, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे तो टेढ़ा मेरा बन गया, यहाँ पे दोस्तों ऊपर उठना था लेकिन यहाँ नीचे उठ गया, तो सिंपली ये आसान क्वेश्चन सभी को सॉल्व किया, फिर यहाँ पे नीचे
ही आ जा रहा है, जो कि 60 डंडा पे आ जा रहा है। तो ऑप्शन एक ही को बचता है आप लोग के पास, जो कि डी है, जो कि ऊपर उठ रहा है। सभी चीज़ देखना है, कैसे देखना है मैंने आप लोग को बताया, 24 मिनट का वीडियो हुआ दोस्तों, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। आगे देखते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहीं से भी नहीं सीक्वेंस से नहीं उठाया, जो जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जो एक्सपेक्टेड है, जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। मैं आपको बार बार बताता हूँ, सबसे ब्रह्मास्त्र होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत कम जन को पता होता है ये आया है। मैंने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया है, साथ साथ कितने सारे कैंडिडेट हमारे दिए हैं, तो सभी को पता है, सभी का क्वेश्चन मैंने एक बुक तैयार कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सभी सब्जेक्ट का, जिसके कारण मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू करा रहा हूँ, इधर उधर ना भटकना पड़े। उसका PDF चाहिए होगा तो दोस्तों आप लोग को भी दूंगा टाइम आने पे, ठीक है। 3-4 हो गया, 3-4 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, 70% प्रीवियस ईयर से आते हैं, और जो होता है 30% नया कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कितने जो भी एग्ज़ाम है एयरफोर्स ने भी खास करके, तो पैटर्न सबका सेम होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर पैटर्न पकड़िए। 70% भी अगर पूरा कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, तो आपको 70% कवर हो जाएगा, जो कि आप लोग सेलेक्टेड हो जाएगा आराम से, क्योंकि 50+ अगर लोग स्कोर कर देते हैं कहीं पे भी, 50%+ रहते हैं, तो आप लोग डिफेंस एग्जाम में सेलेक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज चाहिए होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहिए होता है, या वॉरियर लाइक क्वालिटी चाहिए होता है योद्धा बनने का। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं बनना, क्योंकि IIT का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हो आप, हाँ, बट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना होगा, दिमाग चलाना होगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल तो बढ़ा है। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर बना, एक क्वेश्चन है जो कि एक ओवल शेप, ओवल बोले तो अंडाकार शेप है, जिसमें कि यहाँ पे एक आपको स्क्वायर दिख रहा है, फिर यहाँ पे सर्कल दिख रहा है जो कि शेडेड है, फिर यहाँ पे एड का साइन दिख रहा, फिर दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे तो आप लोगों को सेमी सर्कल में दिखा, फिर यही चीज़ पलट गया, सिर्फ इसको यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा, समझ में आएगा। ये दोस्तों प्लस का साइन यहाँ एक्सटेंड कर दिए, फिर उसी तरह जो है सर्कल है जो सेडेड वो यहाँ पे आ गया, सिर्फ जो प्लेस है सबका चेंज कर दिए, इसको खींच के एक समझ लीजिए, इस टाइप से कनेक्शन है आपका, एक टाइप का थ्रेड बना हुआ धागा टाइप का है, सिर्फ इसको खींच के यहाँ तक ले गए, तो ये ऐसा हो गया, फिर इसको एक प्लस यहाँ पे चल गया, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ था, फिर यहाँ पे आया, प्लस यहाँ गया, ठीक है, प्लस यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो डेफिनेटली फिर यहाँ यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे फिर प्लस इसी टाइप का आएगा, तो ओवरऑल शेप कैसा होगा दोस्तों, सभी में शेप सेम आ रहा है, सभी में कहीं पे सेम शेप टेढ़ा नहीं है, सभी का सेप जो है दोस्तों सीक्वेंस में, जैसा कि देख रहा हूँ, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, पहले मैंने प्रीवियस ईयर ही ये सब क्वेश्चन है तो लिया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ देख ही रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर जो आएगा दोस्तों ये सेम इमेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो रिपीट वाला सीरीज आ गया, यहाँ 4 सीरीज बना सेम, फिर 5वां में भी सेम आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये ऑप्शन किस नंबर में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा होगा, प्लस यहाँ पे है, सेम चीज़ ये वाला उतर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो ए में जो फिगर है, 1 में फिगर है, वही 5 में भी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर इसका आंसर नंबर जो होगा दोस्तों वो सी नंबर ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा इसका आंसर। आई होप सो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, तो आई होप सो दिख रहा होगा दोस्तों क्लियर, हेजी तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, धुंधला फिगर तो नहीं होगा, अगर होगा तो बताइएगा जरूर, ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हार्ड था, पूछा गया था 2019 का फर्स्ट का एग्ज़ाम में हुआ था, जो 3 मार्च को जो हुआ था शायद, 3 या 13 मार्च को हुआ था, उसी समय का ये क्वेश्चन है, ये रागा का है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, देखिए आ रहा है, जी है, क्यू है, ऐसे इसमें से ऑड बताना आपको, सभी का मिरर इमेज दे दिया दोस्तों, ठीक है, सिंपली मिरर इमेज है, ठीक है, जैसा कि आप लोग आर देख रहे होंगे, आर का मिरर इमेज इस टाइप से बनता है, आर अगर इस टाइप से है तो इसके सामने वाला देखिए मिरर इमेज जब भी पहचाना हो, यहाँ पे देखिए एक और फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, 4 लेटर दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, 4 लेटर दिया है, ठीक है, सभी का मिरर इमेज दे दिया, और एक का जो मिरर इमेज बनेगा वो ऑड टाइप में दे दिया, जो कि गलत दे दिया, तो वही पहचानना आप में से इसमें से ऑड कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान से देखिए, इसका PDF प्रॉपर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो हताश नहीं होना आप लोगों को, जैसे कि आर हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, और यहाँ पे मिरर लगा दिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे M लगा हुआ मिरर, और आर के बाद आप लोग को मिरर इमेज कैसा दिखना चाहिए, तो देखिए दोस्तों मिरर इमेज निकालने का जब भी फॉर्मूला होता है, बहुत ही फॉर्मूला क्या मतलब ट्रिक होता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज दो चीज़ होते हैं, तो मिरर इमेज का मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, मिरर इमेज में होता क्या है कि ये जो आर है जो सामने दिखे दोस्तों, इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, ये वाला है, इसका कैप है, कैप आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कैप जो है ना दोस्तों इसी के फॉर्म में इसके सामने होना चाहिए, जो भी इधर है उसका सामने हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर सिंपली ये जो डंडा है आर का ये दूर में है, तो ये इससे भी दूर होगा, ये मिरर से भी दूर होगा, इधर से मिरर से दूर है लेफ्ट में, तो राइट में भी दूर होगा, सिंपली उसी तरह जैसे कि कैप अगर लेफ्ट में पास में था मिरर का, तो राइट में भी मिरर का पास होगा,
ठीक है। और ये दोस्तों देखिए, और ये जो डंटा है सामने में है, इसके सामने में है, तो इसी तरह ये भी डंटा अगर मैं बनाऊँ तो इसी टाइप का सामने बनेगा। जैसा कि देख रहे होंगे ये फिगर यहाँ से कोरिलेट किया, तो सिंपली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आर कैसे बना, इस टाइप से बना। अब जी का देखिए, जी मैंने सिंपली इस टाइप से बनाया, इस टाइप से होता है। तो सामने सामने का जो है, सामने सामने का पार्ट, उसको सामने रखिए, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा ऐसे करके, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। फिर दोस्तों इस टाइप से ऐसे उठेगा, ठीक है, फिर इस टाइप से ऐसे उठेगा, फिर इस टाइप से ऐसे उठेगा, ठीक है। जी इस टाइप से बन रहा, ठीक है। ये जो है ये वाला डंडा सामने है, तो मिरर के ये भी सामने है, ये सामने है तो ये भी सामने होना चाहिए, ये सामने है तो ये भी सामने होना चाहिए। तो सिंपली आपको फिगर बनना चाहिए था किस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। किस टाइप से बनना चाहिए, इस टाइप से जी बनना चाहिए, बट बना किस टाइप से, ये वाला चीज़ ऊपर चल गया अपवर्ड में, जो कि नीचे में होना चाहिए था, इसी कारण ये ऑड मुझे लग रहा है। उसी तरह आप क्यू देखिए, क्यू का मिरर इमेज सेम बनेगा, इस टाइप से है क्यू। अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो ये जो क्यू है, मैंने यहाँ पे इस टाइप करके, तो ये सामने होना चाहिए इसका, तो ये पूछी सामने होगा, टेल जो है सामने होगा। ये जो है दोस्तों सर्कल, तो सर्कल सेम ही होता है, तो क्यू इस टाइप का उल्टा बनेगा, सिर्फ ये जो डिजिट है पोजिशन, ये जो है दोस्तों सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से है, इसका मिरर इमेज सिर्फ ओनली आप लोग को दे दिया, क्यू इस टाइप से होता है ना दोस्तों, आप लोग देखिएगा क्यू इस टाइप से होता है। और ये दोस्तों ये इधर आया तो ये दूर चल जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे दूर हो जाएगा। जो मिरर में क्या है, जो सामने दिखे, लेफ्ट में सामने दिखे, वही राइट में भी सामने दिखना चाहिए, बस ये आपका ट्रिक था मिरर का। 30 मिनट का वीडियो दोस्तों, मैंने 4 क्वेश्चन अभी तक कराया, पूरे डिटेल में करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे क्यू भी सेम है, उसी तरह एस का देख लीजिए दोस्तों, ये पोर्शन आगे है तो ये पोर्शन आगे कर दीजिए, फिर ये पोर्शन दूर में आ जा रहा है तो ये दूर कर दीजिए, ये सामने था तो ये सामने हो गया लेफ्ट और राइट के लिए, फिर ये पोर्शन दूर है तो ये दूर हो गया, तो उसी तरह आप लोग देख सकते हैं। ये जो है इस टाइप से हमने एस लिखा तो ये एस भी इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऑड आपको जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर जी, जी जो है दोस्तों ये ऑड लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा ये हो गया ऑप्शन नंबर सी बी, जो कि डिफरेंट आप लोगों को बताना था, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आई होप सो क्लियर होगा। पूरे अंड तक देखिएगा, पीडीएफ दूंगा, इसको खुद से एक बार लगा के देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सेम पीडीएफ रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ रहेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन टफ में से माना जाता है, तो इस ये क्वेश्चन का आने का अति संभावना वीवीआई है, जो कि रागा के एग्जाम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अभी लॉकडाउन की वजह से, सभी को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है एक स्टेप बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए एक जो एरो है, ये एरो नहीं सिर्फ सिंपल सा लाइन है, एक लाइन बड़ा है, एक लाइन छोटा, फिर एक लाइन बड़ा है, फिर एक लाइन छोटा, जो कि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे जेड टाइप का डायरेक्शन बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक सामने है और ये यहाँ पे इसी के जस्ट सामने है, फिर ये जो लाइन है इसके सामने, बट ये जो छोटा लाइन है इसके अपोजिट में, यहाँ ये इसी के साथ में था, ये इसके साथ में, फिर दोस्तों ये यहाँ पे आया, ठीक है, फिर बड़ा लाइन आया, चार लाइन आया यहाँ पे, देखिए दोस्तों, फिर इसी का अपोजिट साइन में छोटा वाला आया, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, 1 2 3 4, इसमें 6 लाइन बन रहा है, पेयर के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है, ठीक है दोस्तों, बड़ा लाइन, और साइड बाय साइड भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे अलग कौन सा है वो बताना आप लोग को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, कि सभी में सेम जैसा लाइन बन रहा है, बट यहाँ पे है ना अपोजिट में बन गया, तो यही अलग हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को और बताना था, देखिए सभी का जो बन रहा है एक साथ में लाइन बन रहा है, 6 है, चाहे कितना भी लाइन हो को वो नहीं देखना, किधर साइड में देखना ये पकड़ना दोस्तों, इसलिए ऑप्शन भी चेक करना जरूरी है, इसलिए फिगर को बढ़िया से कोऑर्डिनेट एकदम बाज की आँख की तरह, एक जरा भी नज़र भटकाना नहीं है, एकदम गौर से देखना, ठीक है, उसी तरह। तो देखिए दोस्तों सभी में छोटा बड़ा सब साथ में बन रहा है, एक ही साइड में बन रहा है, एक ही साइड में बन रहा है। देखिए दोस्तों कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा दोबारा, लेकिन देख सकते हैं आप लोग, यही रिकॉर्डिंग सेशन और क्लास में फ़ायदा होता कि दोबारा देख के आप लोग क्लियर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों, तो सेम साइड में, ऐसा नहीं ना है कि यहाँ पे ऐसा मैंने एरो बनाया और ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग है, सेम साइड में जब भी है तो सेम साइड में। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों सेम साइड में, बट यहाँ पे देखिए एक सेम साइड में, एक अपोजिट में, तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये जो सीक्वेंस था उसको फॉलो नहीं किया, ये तीनों फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर डाउट है तो ज़रूर पूछिए, इसका पीडीएफ दे ही दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, दो टेलीग्राम है, एक में आपको डिस्कशन के लिए मिलेगा, एक में आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो पीडीएफ मिलेगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो कि ये है, इसमें आप लोग को ऑड बताना है, फिगर दे दिया है, ऑड बताना है, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 क्रॉस लगा है, फिगर देखिए क्या है, यहाँ पे पेंटागन है, 1 2 3 4 5 पाँच एंगल बन रहा है, इसलिए पेंटागन बोलते हैं, यानी पंचभुज बोलते हैं जिसको, ये दोस्तों त्रिकोण बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं ना, ठीक है दोस्तों, षटकोण है, यहाँ षटकोण आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, चार
चार एंगल बन रहा, देखिए तो इसमें से ऑड कौन सा हो जाएगा, तो सिंपली आप लोग देख के बता सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। तीन देखिए यहाँ पे पाँच बना, यहाँ पे तीन बना, यहाँ पे चार बनना चाहिए था, ठीक है, पाँच बना, तीन बना, छः हम लोग नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे पाँच ही है, जैसे पाँच एंगल है तो यहाँ पे पाँच दिया, यहाँ पे छः एंगल बन रहा है तो यहाँ पे छः, सिक्स ठो क्रॉस देना चाहिए था, सिक्स क्रॉस है, आप ही देखिए, क्लियर देखिए, जूम कर देता हूँ मैं आराम से, देखिए जूम कर दिया मैंने, यहाँ पे पाँच एंगल बन रहा है, आप लोग सिंपली देखिए यहाँ पे छः एंगल बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे पाँच ही क्रॉस बन रहा है, मतलब छः एंगल है, देखिए षटभुज है, आप लोग क्लियर देख रहे होंगे, बट यहाँ पे छः क्रॉस नहीं बन रहा, क्रॉस का जो साइन है वो छः नहीं है, ठीक है, छः नहीं है, इसी कारण ऑड बताना था आपको, तो ऑप्शन नंबर सी ऑड हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हल देखिए यहाँ पे सिंपल है, सिर्फ ये ऑड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ऑड वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी ऑड बताना था आप लोग को, तो जूम करके आप लोग देखिए ध्यान से, इसका PDF प्रॉपर मिलेगा टेलीग्राम पे, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को, आराम से सिर्फ शेयर कीजिए ज़्यादा वीडियो को, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए इसी टाइप के क्लास के लिए, बेस्ट क्लास के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन आज मैंने रीजनिंग का कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ, अच्छा खासा मैंने एक घंटा का सेशन बोला था, तो लगभग 40 मिनट के आसपास का सेशन होने वाला, 35 मिनट का। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, इसमें ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, फिर बाहर में ट्रायंगल है, यहाँ पे दोस्तों एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, बाहर रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोस्तों देखिए पेंटागन है, तो पेंटागन के अंदर ट्रायंगल है, बाहर पेंटागन है, ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस मुझे सेम लगा अभी तक। बट यहाँ पे दोस्तों देखिए सर्कल के अंदर सर्कल है, बाहर में स्क्वायर है, तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सर्कल के अंदर स्क्वायर होता तो चलता, या सर्कल के अंदर कुछ रहता तो चलता, बाहर में सर्कल होना चाहिए था छोटा, इसका बड़ा भाई के अंदर कोई दूसरा ट्रायंगल और ये छोटा भाई बाहर में, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं कि बड़ा भाई के अंदर ही छोटा भाई आ गया, तो यहाँ छोटा भाई को जो था इसका वो अंदर नहीं बाहर होना चाहिए था, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पर क्या, कि जो छोटा भाई है वो उसको बाहर रहना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे बाहर तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ऑड बताना था, तो कौन सा अलग लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, तो उसी को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, जो चुनना था आपको, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, शेयर करना सभी मत भूलिएगा, जितने भी इधर उधर भटक रहे हैं उनको बताइए एक बार, बहुत बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है। अब आज नहीं समझ में आया दोस्तों, एक सप्ताह क्लास लीजिए, जरूर समझ में आएगा, और दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको जिधर इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोग भटक के देखिए, मैं अपने आप को ख़राब या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोग क्वालिटी कंटेंट देने का प्रोवाइड कर रहा हूँ, और क्वालिटी कंटेंट के लिए दोस्तों आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग फॉर्म तो भरते हैं 4 से 5 लाख कैंडिडेट, सिलेक्शन लेना 7,000 कैंडिडेट को, 3,000 कैंडिडेट को, तो कहाँ आप लोग 3,000 भी देखते हैं जो सिलेक्शन लेना, जिनको वो भी तो देखिए आप लोग, कम से कम मैं आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट सेशन लाऊंगा, ये गारंटी है, और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, थोड़ा टाइम लेता हूँ बट आप लोग को कम्प्लीट डिटेल से बताता हूँ, जिनको कुछ भी नहीं पता, जो नए हैं इस फील्ड की तैयारी करने के लिए, डिफेंस के वाई ग्रुप के लिए कुछ नहीं पता जिनको, उसको उसके लिए भी मैं लेके चलता हूँ, और जो भी दोस्तों आपके नेवर में हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी अभी नए पास आउट हुए हैं, जिनको तैयारी करना है अभी से, जो पास आउट नहीं भी हुए हैं 12 के लिए, वो भी अगर डिफेंस में जाना चाहते तो बोलिए उनको क्लास लेने, क्योंकि अभी से अगर तैयारी करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा खासा प्रिपरेशन होता है दोस्तों, सभी के लिए बेसिक सब एकदम बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट कोई हार्ड नहीं है, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड कैंडिडेट हो, सभी के लिए अच्छे से मैं प्रोवाइड करूँ। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, सर्कल है और इसका जो रेशियो, मतलब रेशियो बना के सी दे दिया, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल देखिए ऑड बताना है। देखिए दोस्तों ये क्या है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होता है, सर्कल बनाया दोस्तों, आधा आधा सर्कल यानी सेमी सर्कल का जो है पोर्शन उस टाइप से आप लोगों को दे दिया है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर में तो अलग लग रहा है, बट यहाँ पे पेंटागन देखिए, पेंटागन में भी सेम हाफ बनाया है, हाफ जो बनाया है उसका सेमी पोर्शन बनाया है, तो सेमी पोर्शन बनाया है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे बना स्क्वायर, तो इसी का हाफ सेमी पोर्शन है, बट ये जो दोस्तों इसका अपोजिट सेमी पोर्शन दे दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी आपका अलग हो जाएगा, क्यों डी अलग होगा, आपका कोई भी साइड में दिया हो दोस्तों, आप लोग देखिए सबका सेमी पोर्शन यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, एक बार मैं जूम कर देता हूँ आप लोग को अच्छे से दिख सके, यहाँ पे सबका सेमी पोर्शन बात कर रहा है, ठीक है, आप लोग देख रहा हूँ सेमी पोर्शन सभी का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे सेमी पोर्शन बात नहीं किया जा रहा, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक एक्स्ट्रा निकल गया, यहाँ पे
आपको सेमी पोर्शन बात किया जा रहा है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बारे में बात नहीं किया जा रहा है या ऑर्डर में नहीं बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ एक ज़्यादा निकाल के रख दिया। यहाँ पे सेमी पोर्शन अगर मैं इस दो रेक्टेंगल या दो स्क्वायर का इस टाइप से बनाऊँ तो इसका सेमी पोर्शन सिंपली मेरे पास इस टाइप से बन के आएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से बन के आएगा। ठीक है, जब भी बन के आएगा तो इस टाइप से बन के आएगा। ये जो ऊपर का जो पोर्शन है दोस्तों, ये फालतू का दिया हुआ है, देखिए इस टाइप का पोर्शन है ना, इस टाइप का बन के आएगा सिंपली इस टाइप का। और ये जो जो है ये दोनों तो इसका अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये मतलब फिगर ही ऑड दिया है, रॉन्ग दिया। ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग आपको चुनना था, इनकरेक्ट बताना था, ऑड बताना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सभी को लगा होगा बी होगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज है, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, मतलब जो है राइट लेफ्ट के जगह राइट में दे दिया, तो इसलिए सभी को लगा होगा बी। और बहुत को बी गलत करके भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी क्योंकि यहाँ पे बात किया गया सेम हाफ ऑफ पोर्शन का, सेमी पोर्शन के बारे में बात किया गया। कौन सा सेमी पोर्शन के बारे में, मैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 50 नंबर के बारे में। तो सभी का PDF मिल जाएगी आपको, कोई तरह का टेंशन नहीं लेना दोस्तों। दोस्तों देखिए आगे मैं जो बात कर रहा हूँ वो देखिए, इसमें ऑड बताना आपको, इसमें भी सेम क्वेश्चन है तो ऑड बताना है आप लोग को। देखिए ये बुलेट है, तीन बुलेट सेम है, तीन फिगर सेम है, यहाँ पे चार आ गया है। ठीक है, यहाँ पे भी चार है, तो चार में देखिए दोस्तों यहाँ पे फिगर चेंज हो गया है थोड़ा सा, ये चार सेम है, चार 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 सब में सेम है, बट यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे सटा हुआ नहीं होना चाहिए था, सब अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फुल जो है वो सटा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोग देख ही रहोगे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आप लोगों का सेशन अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। ये दोस्तों आप लोग को होमवर्क देता हूँ मैं, इसके आगे क्या बनेगा एक क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा PDF पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं उसको देख लेता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बताया। इसके आगे वाला फिगर क्या बनेगा वो मैं इस टाइप का क्वेश्चन अब मैं लेके आया हूँ। इसके पार्ट तीन पार्ट में इसको मैं पूरा रीजनिंग को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट जो 1000 का सीरीज में ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फेथ रखिए। ये दोस्तों स्टार बना है, स्टार के आगे देखिए नीचे में जो दो माउथ है स्टार का नीचे का, ठीक है बॉटम में जो माउथ है स्टार में वो क्या है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, फिर ऊपर में प्लस है और लेफ्ट में माइनस है और राइट में दोस्तों ये स्क्वायर है। उसी तरह इसी का प्लेस जो है दोस्तों सिर्फ चेंज कर दिया जा रहा है। ये जो है दोस्तों ये जो आगे बढ़ा दिया गया है, स्क्वायर जो है नीचे आ गया, ट्रायंगल और उसके आगे आ गया और सर्कल ये आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। फिर दोस्तों सिर्फ रोटेशन का है, इस टाइप का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से रोटेशन हो रहा है सभी चीज़ का, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फिगर बनेगा क्या बनेगा सिंपली देखिए दोस्तों। अगर जब यहाँ पे हम लोग सिंपली हम लोग ट्रायंगल जो है ट्रायंगल को हम लोग अपना बेस मान लेते हैं, ट्रायंगल का कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है सिंपली देखिए, यहाँ पे से यहाँ पे चल गया, फिर यहाँ से यहाँ पे चल गया, ये हैंड पे थर्ड हैंड पे मतलब लेफ्ट हैंड पे, फिर फोर्थ हैंड पे जब जाएगा तो ये टॉप पे आ जाएगा ट्रायंगल। कहाँ पे देखिए, टॉप पे है ट्रायंगल, तो सिंपली एक ही ऑप्शन में बार बाकी सभी रॉन्ग हो जाएगा, टॉप पे है। तो हम लोग को सिंपली आसान सा इसलिए मैं बोला ऑप्शन और फिगर को बाज की आँख की तरह देखिए। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आँख जो है दोस्तों आप लोग को बहुत ही एक ईगल की तरह होना चाहिए, बाज की तरह, क्योंकि हमारा जो एयरफोर्स है उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ईगल पे नवाज प्रसम दीप्तम दोस्तों, ये सब जो लोगो है मोटो है एयरफोर्स का पूछा जाता है, टच द स्काई विथ ग्लोरी, तो उस टाइप से बनना भी तो होगा। आप लोग वॉरियर बन रहे हैं एक एयरफोर्स के, तो इस टाइप से आप लोग को एम रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आई होप सो मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया। बाद बाकी जितना भी है दोस्तों, तीन से चार क्वेश्चन में ऑप्शन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन, तीसरा ये क्वेश्चन, चौथा ये, पांचवा ये, होमवर्क करके बताइएगा आप लोग कैसा रहेगा, सभी का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पे शेयर कीजिएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन कौन सा आया था जल्दी से। आई होप सो दोस्तों आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में, और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी इधर उधर भटक रहे कैंडिडेट जिनको कोई सहारा नहीं मिला है, जो पैसा खर्च करके कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ने का जिनको शौक है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जिनको इच्छा है पढ़ने की तैयारी करने की, तो उन लोग को दीजिए, उन लोग को शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप लोग सिर्फ कुछ नहीं, अच्छा लगे तो दो से तीन तीन लोगों को शेयर कीजिए, चार चार पाँच पाँच लोगों को शेयर कीजिए, अभी न्यू है तो पाँच लोगों को सिर्फ शेयर कीजिए, बोलिए पसंद लगे तो देखिए, नहीं पसंद लगे तो मत देखिए, आप लोग की इच्छा है एज योर विश। बस मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा सेशन कंटेंट लाऊंगा, अंत तक रह गए दोस्तों 42 प्लस मार्क्स मैं बता रहा हूँ, यही वीडियो में आप लोगों को बार बार बताऊंगा, यही वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 42 प्लस क्वेश्चन आया था कि नहीं। मेरा 1000 सीरीज का प्लेलिस्ट बनेगा, प्लेलिस्ट मैं अलग बना दूंगा, उसमें सब पूरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा था कि नहीं। अभी मैं दो वीडियो बनाया हूँ 1000 सीरीज का, बाद बाकी उसी में कॉन्सेप्ट भी
दोस्तों 1000 वीडियो सेशन में 20-25 वीडियो तो क्वेश्चन की रह जाएगी, 50-50 क्वेश्चन करके, ठीक है, इंग्लिश और ये रहेगा मिक्स रहेगी, और जो दोस्तों जो होगा कॉन्सेप्ट का दोस्तों 20 वीडियो रहेगा उसमें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें कि रीजनिंग रहेगी मिक्स, जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, पैटर्न पकड़िए दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा हूँ, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 12 क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए जीके जीएस का और करंट अफेयर मिला के तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से आता है, हिस्ट्री का जो वॉर होता है वो भी एक स्टैटिक जीके के अंदर आता है, कुछ चुनिंदा पूछे जाते हैं जो कि आज तक पूछे जा रहे हैं, मैं जो करा रहा हूँ दोस्तों चुनिंदा कराऊंगा, एकदम बेस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रख के वॉच करना, नोट्स बनाना है, अंत तक देखिए, रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा से कुछ ज़्यादा नया नहीं पढ़ना दोस्तों, ठीक है, और मेरे टेलीग्राम से जुड़ी एक से एक इंपॉर्टेंट PDF मिलेगी, क्वेश्चन मैथ्स की मिलेगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो वहाँ से आप लोग का जो होगा दोस्तों बूस्ट होता रहेगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है आकृतियाँ का, ये प्रीवियस ईयर IF 18 में पूछा गया, 2018 का पहला एग्जाम जो हुआ था ऑनलाइन सबसे पहले, ठीक है दोस्तों उसमें पूछा गया, तो मैं उसको भी लेके रखा हूँ, ये कहीं पे आप लोगों को मिलेगा नहीं। देखिए दोस्तों ये कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एनालॉगी में तुलना करना होता है, या ये दोनों से तुलना कीजिए, फर्स्ट सेकंड से तुलना कीजिए, ठीक है पहला चीज, या फर्स्ट का फोर्थ से तुलना कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड से तुलना कीजिए, इसके बाद इससे तुलना कीजिए। देखिए दोस्तों ये ट्रिक मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग ट्रिक कीजिए और उसी के बाद या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा उसके बारे में आपको लगाना है, या तो इसका इससे तुलना कीजिए कंपेयर कीजिए, या तो इसका इससे तुलना कीजिए, सभी क्वेश्चन में यही लॉजिक लगा दोस्तों, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ मैं एक लेवल अब तक कराऊंगा प्रीवियस ईयर के साथ, तो एक्सपेक्टेड करा चुका हूँ मैं, अब प्रीवियस ईयर ये सब क्वेश्चन है तो कंसंट्रेट करके देखिए अभी तक, ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ सेशन को, जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा, अगर हो सके तो समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए डेफिनेटली समझ में आएगा, एक क्वेश्चन को मैं 2-3 कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, 2-3 बार एकदम टाइम लगा के बता रहा हूँ ताकि एकदम बेसिक क्लास है तो अच्छा समझ में आए, थोड़ा टाइम लगे आप लोग को, ऐसे भी क्या करना है अभी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ाई ही मैं करा रहा हूँ, सभी डिटेल की काम की बात करा रहा हूँ, ये दोस्तों एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन लास्ट का 4-5 क्वेश्चन एफकेट में जो पूछा गया है, रीजनिंग पूछता है एफकेट में जो कि अच्छा खासा लेवल होता है क्योंकि वो भी रिपीट कर सकते हैं, तो मैं एफकेट के लिए भी लिया हूँ, तो एफकेट वाले लोग भी जरूर देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ देख रहा हूँ दोस्तों एक डंटी है, दो डंटा है, ठीक है, एक छोटा और यहाँ पे बबल बना हुआ है, यहाँ पे छोटा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बढ़ गया जो है, जो लकड़ी है दोस्तों ये जो लाइन से बढ़ गया, पहले तो सिंपली ये था और यहाँ पे दोस्तों अभी एक ये इस टाइप से बढ़ा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये तो आंसर वाला फिगर यहाँ, तो इसके बाद यहाँ पे जो एक लाइन यहाँ पे भी बढ़ेगा इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ कोई तुलना नहीं बन रहा, अपोजिट हो जा रहा प्लस टान के, लेकिन यहाँ से यहाँ कंपैरिजन हो रहा है बन रहा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से देखिए एक लाइन आप लोग को बढ़ा देना सिंपली ऑप्शन में देख के, सिंपली ऐसे कीजिए और सिंपली लास्ट का जो है दोस्तों ये तो आपका ऑप्शन नंबर से मतलब जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन आंसर जिसका बनेगा जैसे कि यहाँ पे बढ़ गया एक, तो यहाँ पे भी एक बढ़ा दिए, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे बढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः लाइन कहाँ पे बन रहा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका सेम प्रोसेस है, कैसे मैं तुलना किया वो देखिए आप लोग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ही है, 5 बन रहा, 5 टेल है, टेल बोले तो पूछ, 5 बन रहा इसका, लेकिन यहाँ पे 6 पूछ बन रहा, इसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना था जैसे कि यहाँ पे एक बढ़ा था, ठीक है दोस्तों, आई होप सो क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है दोस्तों ये देखिए सिंपली आसान क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया तुलना करने वाला, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एफकेट में भी, बहुत सारा पूछा गया, एयरफोर्स वाई ग्रुप का क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों लगातार 5-6 क्वेश्चन एयरफोर्स का वाई ग्रुप का जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एक एरो यहाँ पे बना, जस्ट यहाँ पे मिरर इमेज बना दिया गया, ये एरो इधर है तो इसका सामने जो मैंने बताया था मिरर इमेज का जो सामने है उसको सामने, ये पूछ सामने है तो यहाँ पे ये पूछ सामने हो गया, और ये एरो दूर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एरो दूर बन गया यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एरो सामने है तो ये एरो सामने आपको देखना, सिर्फ एक ही फिगर में, दो फिगर में दिख रहा तो अपने आप दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा, उसको हटा सकते हैं आप लोग, ऑप्शन एलिमिनेशन मैटर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन को देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बाज की तरह, और क्वेश्चन को भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, तभी इस टाइप का फिगर सॉल्व होता है, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा आई होप से इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा, जो भी पहले इससे डरते थे फियर था सब फियर मैं इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है,
तो अंत तक देखिए, यही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने बताया आप लोगों को कि जो एरो है उसको सामने पहले लिखिए, तो दो ऑप्शन आपको वैसे दिख रहा, फिर बबल एक में नहीं दिख रहा, बबल को पीछे लेना है। तो जैसा कि फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, ये एरो आ गया यहाँ पे, ये बबल पीछे बन गया, और ये दोस्तों डंटी जो है या डंडा जो है ये ऐसे का ऐसे खड़ा। तो ये ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा, बबल इसमें नहीं था। ठीक है, ए ऑप्शन में बबल नहीं था, बहुत को ए ऑप्शन भी मार सकते हैं, बट जरा सा देखते नहीं है। तो ध्यान से आप लोगों को देखना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि बबल पीछे लगा हुआ रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर है, इसका देखिए दोस्तों कंपैरिजन कैसे करना। तो यहाँ स्क्वायर से तो ये वाला कंपैरिजन हो नहीं रहा, यहाँ पे चार ठो एंगल बन रहा है या चार ठो साइड है, यहाँ पे पांच को साइड बन रहा है। ठीक है, पांच ठो साइड बन रहा है, इसको ये पेंटागन बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन हो रहा, फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन। सिंपल, कोना कोना जो है दोस्तों, ऑल जो है कॉर्नर उसको मीट कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से यहाँ ऐसे कीजिए, ये पेंटागन है तो इसका भी सभी कोना मिला दीजिए। सिंपली यहाँ से यहाँ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, फिर सिर्फ कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, कॉर्नर मिलेगा, और यहाँ पे स्ट्रेट नहीं मिलाना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट मिला है, यहाँ चाहे तो स्ट्रेट मिल सकता था, बट यहाँ पे स्ट्रेट नहीं मिला। यहाँ पे अगर मिलाता हूँ मैं स्ट्रेट, तो एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तो नहीं मिल रहा है, ये तो प्लेन में मिल रहा है या बेस में मिल रहा है, ये बेस में नहीं मिलाना। तो हमारा ऑप्शन कैसा होगा, सिर्फ ऑनली कॉर्नर वाला मिलाना है। तो यहाँ आप लोग देखिए, एक कॉर्नर यहाँ से मिला, एक कॉर्नर यहाँ से मिला, एक कॉर्नर यहाँ से मिला, एक कॉर्नर यहाँ से मिला। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में इस टाइप का बन रहा है, जो कि स्टार के शेप में अंदर जो है ये बन रहा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाद बाकी कोई सही नहीं। आप लोग अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी कॉर्नर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी मिल रहा था, जो कि स्ट्रेट लाइन कहीं पे ऐसा है नहीं। चाहे तो अगर स्ट्रेट लाइन बनता तो यहाँ पे भी बनना चाहिए था, बट यहाँ पे बना नहीं। आई होप से क्लियर होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। इतना अच्छा से कहीं पर आप लोग को नहीं समझाया जाएगा, बस पेशेंस रखिए, 50 मिनट का वीडियो हो गया। फिर दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये भी एयरफोर्स में आ चुका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बार ऊपर से आगे बन रहा है, यहाँ नीचे से आगे बन रहा है। ठीक है, सिर्फ ऊपर है, सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है चेंज कर दिया गया, यहाँ ऊपर से सामने से आगे बन रहा है। दोस्तों देखिए, ये कहाँ से, यहाँ से तो यहाँ कंपैरिजन बन नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो ये जस्ट इसका दोस्तों आप लोगों को क्या होना चाहिए, देखिए अगर यहाँ से मैं आगे करता हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट होके सेम ये बनता है। ठीक है, उसी तरह ये यहाँ पे बनेगा, तो इसका अपोजिट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रिवर्स में हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा ये ऐसे गया, तो फिर ये जो है दोस्तों ये सिंपली ऐसे आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका कंप्लीट होगा, जस्ट रिवर्स में एरो बनेगा। कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हार्ड क्वेश्चन था, आई होप से समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों सर्कल है, और इसका 8 पोर्शन डिवाइड कर दिया है, 8 पार्ट में इस टाइप से। उसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर को भी 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सिंपली एक 4 पार्ट में हुआ, 8 पार्ट में हो गया। तो ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये सब आसान क्वेश्चन है, जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये एफ कट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एफ कट का 2018 का क्वेश्चन है, सभी मैंने लिया हुआ। तो एफ कट का है, वहाँ से वाई ग्रुप तक का था, यहाँ पे एफ कट का थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चन दिक्कत देगा। ये सेमी सर्कल दो भाग में बांट दिया सर्कल को, ठीक है, उसके बाद जस्ट अपोजिट कर दिया, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, उसी तरह यहाँ पे ये है। ठीक है, रेक्टेंगल है, उसको दो पोर्शन में बांटा है, और उसको जस्ट अपोजिट करके उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सभी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसको छोड़ के, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको तो जैसे का तैसा छोड़ दिया, तो ये होगा नहीं, तो दो ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करा। तो आई होप आप लोग अपने सॉल्व किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि इसके ऊपर टेढ़ा थोड़ा सा किया गया, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, और यहाँ हम लोग को लेफ्ट में मोड़ना ना कि राइट में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप लोग को समझ में आया होगा अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा बनेगा, बट आप लोग को कॉन्सेंट्रेट करना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर कितना है मुझे नहीं दिखना, वैसे गिन सकते हैं, चार ट्रायंगल इसके अंदर, तीन ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, फिर ये दोस्तों ट्रायंगल से स्क्वायर बना, स्क्वायर से दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 एंगल बना, मतलब ट्रायंगल है, ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल, तीन कोण, त्रिकोण जिसको बोलते हैं, ये चार एंगल मतलब क्वाड एंगल, क्वाड्री एंगल बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटर, ये पाँच एंगल का बना, या पेंटागन बना यानी पंचभुज बना, और षष्ठभुज बनने वाला है अब दोस्तों यहाँ से, सिंपली हेक्सागन बनेगा यानी षटभुज बनेगा। तो सिंपली ये ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ये आसान क्वेश्चन, ये भी एफ कट का आया हुआ 2017 का सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है दोस्तों, एफ कट का क्वेश्चन आया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये एरो है, एरो सिंपली ऊपर नीचे हो रहा, ठीक है, अपोजिट हो रहा,
इंडिविजुअली अपोजिट हो रहा है, एक ऊपर तो एक नीचे, सिंपली सीक्वेंस में आसान क्वेश्चन ये भी, एफ कट का क्वेश्चन है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दोस्तों आ सकता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा मैंने पिछले बार बहुत सारा क्वेश्चन कराया था, उसको भी देखिएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से, तीन क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा था वहाँ से सेम कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और कुछ कुछ तो सेम क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ चुका, तो जो करा रहा हूँ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 20 प्रैक्टिस सेट, 20 तरह तरह के बुक से मैं चुन के निकालता हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर मैं कराता हूँ, तो जो पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, कुछ आलतू फालतू मैं नहीं कराता, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँगा थ्रू दिस, क्योंकि आप ही लोग हमारे सपोर्ट हैं, आप लोगों के लिए भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दोस्तों एक्सपीरियंस के कारण मैं इतना करा पा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में। देखिए दोस्तों ये हो गया, फिर ये ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर नीचे हो रहा, फिर इसके बाद जो बनेगा चार बना ना, चार एरो है, उसके बाद पाँचवा एरो जो होगा ऊपर होगा, आप लोगों को सिंपली दिख रहा होगा, तो पाँचवा, पहले तो पाँच एरो होना चाहिए, तो यहाँ चार ही एरो गलत हो गया। ये दोस्तों जैसे तैसे अरेंजमेंट है, सही नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, देखिए दोस्तों ये ऑप्शन सही लग रहा मुझे, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर आप लोग बताइए। देखिए ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करना है क्योंकि ऊपर से सभी में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ऑप्शन आप लोगों का, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, एफ कैट का क्वेश्चन है, हो सकता आ जाए आप लोग के वाई ग्रुप में, क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन के कारण हो सकता बढ़ जाए। तो दोस्तों सभी क्लास, सभी जितने भी डिफेंस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं यहाँ पर सभी की बेसिक से हाई लेवल अच्छे से अच्छे टीचर के थ्रू तैयारी कराई जाती है, जो कि मैं ही आप लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट गाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है यहाँ पे इस टाइप का, फिर दोस्तों ये कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर दोस्तों ये कहाँ पे चल गया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है, फिर दोस्तों ये नीचे गया तो ये यहाँ आया, फिर नेक्स्ट फिगर आप लोगों का क्या होना चाहिए, यहाँ आया यहाँ गिरा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सामने था तो ये यहाँ पे गिरा नीचे, इसी के जस्ट अपोजिट में मुड़ गया, तो फिर ये यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये नीचे है तो ये ऊपर का अकॉर्डिंग आ गया, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये सीधा हो जाएगा क्योंकि ये पोर्शन जब यहाँ पे टच कर रहा था तो ये यहाँ हो गया था, फिर यहाँ के बाद जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ का करेक्ट होगा, जो कि बीच में आएगा और ये सीधा बनेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट होगा। ये दोस्तों ये एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, मैं सभी मिक्स क्वेश्चन लिया हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, जो लास्ट का मैं जो करा रहा हूँ, पहले तो कॉन्सेप्ट बताया, प्रैक्टिस कराया, ठीक है, तो कैसे चेक करना, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका पीडीएफ प्रॉपर टेलीग्राम पे है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हम लोग क्लास को देख सकते हैं, डेली का डेली क्लास आ रहा है, जैसे कि मैंने आप लोग को मिक्स क्वेश्चन सीरीज कराया, सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन सीरीज सभी का स्टार्ट किया हूँ, गारंटी देता हूँ दोस्तों आप लोग इतना उतना कर लीजिएगा तो सिलेक्शन मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता, बस मेरिट में आ जाएंगे आप लोग आराम से, आप लोग को टॉपर नहीं बनना बस, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है, आप लोग को सभी चीज़ में एवरेज होना होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करना होता है, अगर ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वॉरियर हैं तो वॉरियर की क्वालिटी। देखिए दोस्तों यहाँ मैसेज बॉक्स बना, एक मैसेज बॉक्स में देखिए दोस्तों डायगनली बना हुआ, एक जो है जस्ट उसका अपोजिट में है जो कि विदाउट डायगनली, यहाँ पे भी दूसरा है तो यहाँ पे दो आया, तो उसी तरह दोस्तों जो यहाँ पे एक था तो यहाँ दो आया, फिर उसी तरह यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे तीन होगा, इसका आंसर नंबर क्या होगा दोस्तों आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, सिंपल ये यहाँ था ठीक है, सटा हुआ था तो फिर यहाँ पे दूर गया, ठीक है, ये यहाँ पे था दो तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आपको बताना है क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को तीसरा यहाँ पे होना चाहिए जो कि एक यहाँ होगा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो ये मैसेज बॉक्स तीसरा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों तीन होगा, और इसके बाद अगर पूछता तो इसके बाद का पाँचवा के बाद छठा पोजीशन पर जो आता ये आता, ठीक है, ये पांचवा पोजीशन के बारे में पूछा था, तो पांचवा पोजीशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये एफ कट का क्वेश्चन है, तो सभी मैंने रीजनिंग का जो बहुत काफ़ी पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है वो कवर कराया, एक दिन ब्लड रिलेशन और एनालॉजी मैं कराऊंगा, सीरीज कराऊंगा, ठीक है, तो पार्ट टू में वो सभी चीज़ कवर हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 1000 में कराऊंगा ही, प्लस है इनटू है स्टार है, प्लस है इनटू है स्टार, ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज है, स्टार यहाँ आ गया, इनटू यहाँ आ गया, स्टार इधर घसक गया, फिर इनटू यहाँ आ गया, स्टार इधर आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया, फिर इनटू यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया, स्टार हो गया, ठीक है, इनटू और प्लस कहाँ पे आया दोस्तों, इस पर इनटू प्लस इधर था, आगे था तो यहाँ पे आ गया, अब देखिए कहाँ पे आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आई होप सो दोस्तों इसका क्वेश्चन मैं आप लोग को लास्ट का
खुद से सॉल्व करने देता हूँ, आप लोग करके बताइएगा जरूर। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग को दिखेगा, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप आप लोग करके जरूर कमेंट कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग को लिंक दे देंगे। देखिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी बच गया, इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना, ये पोर्शन को आप लोग को फिल करना। मैं सभी टाइप का कवर क्वेश्चन को कवर किया हूँ। देखिए दोस्तों, जस्ट अपोजिट देखिए इसका, इस टाइप का क्वेश्चन में अपोजिट देखना होता है जो इसका पोर्शन को फिल कर सके। देखिए एक ये है और इसके अंदर जो है हाफ पोर्शन है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सिंपली यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, सिंपली यहाँ से ऐसे मिलाइए, फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से ऐसे करके, इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा और ये यहाँ से टच हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, ये छोटा हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे टच भी नहीं कर रहा दोनों पोर्शन बड़ा वाला का, तो ऑप्शन नंबर बड़ा वाला जो टच कर रहा है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग होमवर्क ले सकते हैं, बट मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक आदमी है, सेम इसका एक पोर्शन गायब हो गया यहाँ पे दोस्तों, इसका हटा के यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, ये आदमी का हटा के, सीक्वेंस में क्या है ना कि ये आदमी का पोर्शन हटा के यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, फिर एक पैर हटाया गया, पहले तो एक पैर हटाया गया, फिर इसका ये मेन पोर्शन हटाएगा, फिर यहाँ पे ऐड हुआ, फिर ये हटा के यहाँ पे ऐसे बनेगा जैसा कि बना है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा हटाया जाएगा, ये वाला हटाया जाएगा जैसा कि यहाँ पे पैर से हटाया गया था, ठीक है, फिर हाथ का पहला पोर्शन हटाएंगे तो ऑप्शन नंबर कैसा आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हाथ का पहला ऑप्शन हटाएंगे तो यहाँ पे इस टाइप का हाथ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाथ का पहला नंबर हटाए, यहाँ पर जो दो दो डाल दिया गया है, जो कि यहाँ पर बिना दो हटाए, यहाँ पर एक हटाया और एक डाला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन है कि नहीं, एक ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देता हूँ, ये बर्फी वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके आप लोग को एग्जाम में दिख जाए। एक बार यहाँ पर बना, एक बार यहाँ पर बना, एक बार यहाँ पर बना, एक बार यहाँ पर, तो आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को सेशन कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। 100% बहुत ही VVI कॉन्सेप्ट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा दोस्तों। मैं 3 पार्ट में इसको लाऊंगा, पार्ट 1 है इसका, पार्ट 2 भी आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 घंटा का सेशन मैंने बताया था, 1 घंटा का सेशन है, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड तक दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा, देखिए मैं क्या बोला आप लोग को, 1000 क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूँ रागा के लिए, वाई ग्रुप के लिए, उसी तरह एक्स ग्रुप के लिए भी, फिजिक्स और मैथ के लिए, और इंग्लिश का तो दोनों में क्या कॉमन है, सेम आता है, बोथ ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी 1000 क्वेश्चन चल ही रहा है। तो आप लोग को मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि बीच में एक एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्लेलिस्ट होगा, उसमें सभी 1000 क्वेश्चन की सीरीज का प्रॉपर आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगा, सभी वीडियो वहाँ पर मौजूद रहेगी। या वीडियो खोजने में ऐसा करने में दिक्कत आया तो हमारे दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उस पर वहाँ पर सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया 20-25 कॉन्सेप्ट, जिसमें कि GK रीजनिंग मैथ सभी मिक्स रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी उसी में ऐड रहेंगे, तो एक ही प्लेलिस्ट में आपका सभी काम हो जाएगा। लगभग 40-50 वीडियो मैं कराऊंगा, जिसमें कि 3-4 वीडियो मैंने अभी कराया, एकदम बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट हुआ, और जिनको भी फाउंडेशन पढ़ना है रीजनिंग मैथ इंग्लिश जो भी, वो NDA लेवल तक का, मैं UPSC लेवल तक का, CDS लेवल तक का, FCAT लेवल तक का, डिफेंस का जो होता है UPSC प्री लेवल तक का मैं कवर करा रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में चलता क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो डिमांड किए थे NDA के एस्पिरेंट जितने भी हैं, CDS के एस्पिरेंट जो भी हैं, तो उनके लिए मैं चला रहा हूँ। तो कृपया सभी जिनको भी बेसिक से सीखना वो ज़रूर वहाँ से पे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ें, सपोर्ट कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँगा दोस्तों। जो अभी तक भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाएँ, जो भी नए कैंडिडेट हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, पूरे इंडिया में शेयर कीजिए। आई बटन पे इंपॉर्टेंट क्लास का टाइम टेबल और इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी आपको एग्जाम के ओरिएंटेड, तो उसको देखना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर मत करना भूलिएगा दोस्तों, शेयर मैक्सिमम कीजिए, आप लोग ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी नए हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको बोलिए दोस्तों आप लोग सभी का क्लास लीजिए, या आप लोग भी हैं जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िए, बट हमारा क्लास भी लेते रहिए, आप लोग को खुद ब खुद फर्क पड़ेगा, अच्छा लगेगा, तो आप लोग लेते रहिएगा। और गारंटी देता हूँ दोस्तों, जो भी एंड तक बनेंगे, 10 ही बच्चा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनका सिलेक्शन गारंटी लूँगा मैं, 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, बट सिलेक्शन गारंटी लूँगा, जो हो सके अपना चैनल बंद कर दूँगा अगर सिलेक्शन नहीं देता, क्योंकि दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को मैं इतना बताना चाहूँगा कि मैं अभी जनवरी में चैनल स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ। मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों के लिए, और नेवी के लिए, NDA के लिए, सभी के लिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को, ठीक है, अलग अलग फैकल्टी है यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को कोचिंग का एड्रेस जरूर दूंगा अगर डिमांड करते हैं तो, बट मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैं ऑनलाइन इसलिए आप ही लोग के स्टूडेंट लोग के, हमारे स्टूडेंट लोग के लिए डिमांड से, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सभी बोल रहे थे यूट्यूब पर आइए सर फ्री में पढ़ाइए,
तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं मैथ के लिए एक्सग्रुप के लिए बेसिक सीरीज लेके आ रहा हूँ सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन का, ठीक है। तो सभी कुछ मिलेगा बेसिक से, जिनको पढ़ना है पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग बोले थे तो मैं फिर पेशेंस रख रहा हूँ दोस्तों। एक सप्ताह का क्लास लीजिए, एक दिन का क्लास में कुछ मज़ा नहीं आया, 7 डेज क्लास लीजिए, पसंद ना आए तो चैनल को डिसलाइक करके चले। बहुत ही क्वालिटी और क्वान्टिटी कंटेंट दूंगा, और मैं लंबा वीडियो इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोग का एक में वो पोर्शन वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, और मैक्सिमम मोटा टॉपिक लेता हूँ मैं जो कि ज़्यादा आउटपुट दे सके एग्जाम में आप लोग को। और दोस्तों यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम जो मैं कराया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, शेयर करना मत भूलिएगा, 5 लड़का को जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारा सपोर्ट बनता रहे। और न्यू है दोस्तों, मैंने 39 सिलेक्शन अभी दिया नेवी SSR में, और 11+ सिलेक्शन MR में दिया, जो कि 2020 का जनवरी में ही चैनल बना, तो आप लोग सोच सकते हैं। और सभी का मैं आप लोग को लाइव प्रूफ इंटरेक्शन करा के जरूर दिखाऊंगा, तो और टेलीग्राम पर बहुत सारा मैसेज भी पड़ा हुआ। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।